मॉर्निंग एवरीवन। तो इडियम्स का आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 10। तो उम्मीद करता हूँ कि पुरानी सारी की सारी इडियम्स आपको याद होंगी और आपने कोशिश करी होगी याद करने की और हो भी गई होंगी। आज की जो फर्स्ट इडियम है वो है ग्रीस द पाम, यानी किसी को रिश्वत देना। तो आजकल आपने देखा है कि रिश्वत जो देते हैं वो नोटों पे रंग लगा के देते हैं ताकि जो रिश्वत लेने वाला है वो बाद में बच ना सके, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ धुलाते हैं हाथों पे रंग आ जाता है, इसका मतलब वो पैसे इसी को ही मिले थे। तो अब लोग रिश्वत लेने से डर रहे हैं। तो आजकल क्या है, लोग रिश्वत लेने से पहले जिसने रिश्वत देनी वो पहले थोड़ी ग्रीस भी देता है। सर पहले क्या लगा लो, थोड़ी ग्रीस लगा लो ताकि जब चाहे नोटों पे रंग लगाओ फिर भी लगेगा ही नहीं, मतलब मेरा विश्वास करो मैं तो ग्रीस हाथ लाया हूँ। तो ग्रीस द पाम, तो अगर ग्रीस दे रहे हो पाम हाथों पे लगाने के लिए, इसका मतलब आप क्या दे रहे हो। द ओनली वे टू गेट अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अराउंड हेयर इज टू ग्रीस समवन्स पाम। जब भी मतलब आप इडियम इस तरह की पढ़ते हो तो ध्यान रखना, कभी कभी बीच में जैसे ग्रीस द पाम लिखा है तो यहाँ पे इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई इंसान आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। ग्रीस समवन्स पाम, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो किसी की किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी। गोल्डन मीन, देखो तीन तरीके के धातु मेन ही चलते हैं, यानी एक तो आपने देखा होगा प्लेटिनम सबसे ऊंचा, बीच में गोल्ड और तीसरा, ठीक है जी। तो कार्ड भी ऐसे मिलते हैं ना, ये सिल्वर कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड है, ये प्लेटिनम कार्ड है। तो इमेजिन करो हर काम को करने के आपके हिसाब से तीन ही रास्ते होते हैं और आप हमेशा कौन सा रास्ता चूज करते हो, गोल्डन वाला हमेशा। तो आपको ना तो सिल्वर पे जाते हो ना प्लेटिनम पे जाते हो, बस बीच का, यानी ना ज़्यादा हाई लेवल ना ज़्यादा लो लेवल। आई ऑलवेज प्रेफर गोल्डन। देखो मीन का मतलब तरीका भी होता है, मैं हमेशा कौन सा तरीका फॉलो करता हूं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। यहां पे ये जो फिश है ध्यान रखना ये एक वर्ब है, ये यहां पे, और यहां इस फिश का मतलब मछली पकड़ने से है, मछली पकड़ना। मान लो अगर कोई मछली अपने आप, यानी मान लो किसी जगह खड्डा हो गया छोटा सा और उस खड्डे में, उस खड्डे का कनेक्शन किसी नदी से था, तो उस नदी में, उस खड्डे में मान लो वो मछली आ गई तो फंस गई वो, और आप वही मछली को पकड़ रहे हो जो किसमें आ रही है, खड्डे में कोई बेचारी से निकला नहीं जा रहा। अब खड्डे में आ तो जाती है, खड्डे में पानी थोड़ा है मान लो, फिर वो वापस जा नहीं पाती, समझ आ रही है। तो आप इसका मतलब अब आप अगर आपको पकड़ना है तो नदी में से पकड़ो, अब आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो किसी का, क्योंकि वो तो बेचारी निकल नहीं सकती। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिस्टम है, यानी किसी की परेशानी का क्या उठाना, और ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब मुसीबत होती है। ट्रबल्ड वाटर का मतलब ही क्या होता है, मुसीबत। तो जब मुसीबत में पड़ी हो मछली तब उसका शिकार करना। एग्जाम्पल देखो, पहले फ्रैंक इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स बाय बाइंग मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। एक ऐसी कंपनी जिसको अब पैसे की किल्लत आई पड़ी है, तो ऐसी कंपनी को अब वो हेल्प करके उसके बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, सस्ते में। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो जो स्टोरी मैंने बताई बस वो वैसी ही है। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज किसको बोलते हैं, स्वर्ग। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा हो जाए बस कि सारे के सारे मूर्ख कहीं चले जाएं, तो ये दुनिया क्या बन जाएगी, स्वर्ग। अगर सारे के सारे मूर्ख चले जाएंगे कहीं और तो ये दुनिया क्या बन जाएगी। तो फूल्स पैराडाइज ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकती कि जब सब कुछ सही हो। ऐसा कभी ज़िंदगी में कोई दिन नहीं आएगा, ऐसी कभी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी जो आपको लगे भी आज मेरी लाइफ सब कुछ बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो फूल्स पैराडाइज कभी होता ही नहीं। दे वर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, और इसका मतलब होता है एक अपने कहते हैं ना कि गलत फहमी,
वो एक गलत फहमी में जी रहे थे, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट दे वर इन डेब्ट, या आप ये कह दो कि वो इस चीज को मानना ही नहीं चाह रहे थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे कि वो कर्जे में है, यानी अपनी मनगढ़ंत दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसा मनगढ़ंत वाली सिचुएशन कभी कुछ होती ही नहीं। तो आप एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जिसमें सारे पागलों को परदेश भेज दिया जाए, तो पैराडाइज को एक बार क्या बना दिया हमने, एक बार वैसे परदेश, तो ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आपको वो पागल लग रहा है और उससे पूछो तो वो कहेगा ये पागल है, हम तो समझदार हैं भाई साहब। तो दिक्कत ये है कि हर बंदा एक दूसरे को क्या लगता है, फिर सबको ऊपर भेज दो या तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मनगढ़ंत सिचुएशन में जीना, ये भी सेम कहानी है, उतोपिया, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बनाया, भाई सारे लड़कों को गलतफहमी होती है कि शादी होते ही घरवाली ऐसी उठाएगी, जानू उठो ना, गुड मॉर्निंग, उठो पिया, वो क्या बोलेगी, उठो पिया, पर वो कहती है ये पकड़, उठो ये ले टोपिया, जादू वाला है। तो हमने इसको क्या बना दिया, उठो पिया नहीं, वो कह ले भी उठो और ये रटोपिया। तो ये क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है। लड़के अलग तरीके सोचते हैं, लड़की अलग तरीके सोचती है, और होता ऐसा कुछ भी नहीं, देवर लिविंग इन उतोपिया, सेम ही कहानी है ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होता भी अभी बिल्कुल ही। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब गाली देना। अब आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे घरवाले का नाम तक नहीं लेते, ठीक है ना। एक औरत को जाना था गुलाबी वाले, अब गुलाब सिंह भी घरवाले का नाम ही नहीं ले रही, वो हाथ में फूल लेके आती है बस, जाना किधर है कि बता दे कहाँ जाना है। तो अगर वहां उस गांव में आपने नाम ले दिया घरवाले का, तो समझ लो उसको क्या दे दी, गाली दे दी। तो एक लड़की ने अपने पति का नाम ले लिया और गांव में क्या हो गई, वो तुम्हें पता ही नहीं था भाई। तो यहां पे देखो कॉल वर्ब की तरह आया, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप कॉलिंग नेम्स, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब जब जो हो गया उसकी, अब जो गलती हो गई उस पर क्या बार बार, जो हो गया वो हो गया, अब छोड़ो, ठीक है। तो यानी गिरे हुए दूध को देखकर अब आप बेकार में रो रहे हो, अब कुछ हो सकता है। कई बार इतना गुस्सा आता है कि इंसान खुद को कुछ करने लग जाता है, क्या यार कल भी गिर गया था, परसों भी गिर गया दूध, मेरे को पता क्यों नहीं चलता, मैं एक सेकंड के लिए इधर होता हूँ, इतने में वो निकल जाता है, यानी मेरा इंतजार ही कर रहा होता, मैं इधर उड़ू पर निकल गया तो निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, He spent all the money and there is nothing you can do about it. उसने सारे पैसे खर्च कर दिए, कुछ नहीं हो सकता, हो गया जो हो गया। Catch a tartar, यानी अपने से ज्यादा ताकतवर को पाना, टक्कर हो जाना, वो मीटर वो था ना वाटरलू। तो इसके अंदर क्या है, मान लो आपको किसी ने चैलेंज दिया है कि पानी के अंदर ये जो आवाज आ रही है टर्टर की, बस तू इसको पकड़ के दिखा दे टाइजर को, आप बहुत ज़्यादा फुर्तीले हो और बहुत ज़्यादा आपको आती है पानी के अंदर स्विमिंग वगैरह भी, तो आपने कर लिया टटर को तो वही पकड़ दूंगा। तो उसने कहा टटर, तो शर्त लग गई, अब जब टटर देखा तो टटर कौन है, इतना बड़ा मगरमच्छ, तो आपने कहा भाई साहब ये तो गलत काम हो गया। तो वो एक फिल्म होती है ना जिसमें वो एक लड़की का नाम बनाते हैं शीतल, शीतल से लड़ोगे बदले आण दे, और शीतल कौन होता है, इतना तगड़ा पहलवान, कहते ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। वाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज दैट दे हैड कॉट, उन्होंने गलत चीज को हाथ पंगा ले लिया है। बिटवीन सेला एंड चेरी BDIS, पता नहीं क्या नाम है अभी ये, तो हमने इसको बना दिया शीला और चेरी, दो मुश्किलों के दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। तो एक आदमी जो अपनी बीवी के साथ कहीं आया और दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स उसको सामने ही दिख रही हैं, इधर वाली साइड जा रहा था तो इधर एक खड़ी है, इधर वाली साइड जा रहा लगा तो इधर भी खड़ी है, किधर जाऊं,
आफ्टर द सेकेंड मैरिज माई फ्रेंड ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ बिटवीन साइला एंड, ठीक है, यानी मान लो किसी ने दूसरी शादी कर ली और पहली कैंसिल नहीं की है, ठीक है ना, पंजाबी फिल्म वाला ही सिस्टम, तो फिर वो हर बार अपने आप को किधर किधर, उसको कैसा लगता है मैं किस में हूं, दो मुसीबतों के बीच में, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी, ठीक है। तो अपने को बैड का मतलब एक बार क्या बना रहे हैं, गंदा, बैड का मतलब बेकार होता है ना, गंदा। तो मान लो एक बार किसी आदमी का खून निकल रहा था, तो उसका बेटा कहता पापा ये क्या है, तो कहता बेटा ये गंदा खून है, निकलने दे। कहते पापा ये गंदा मतलब, कहता बेटा ये गंदा खून है, इसको निकलने दे, ये कैसे निकलता है या कब निकलता है, तो बेटा इसके लिए क्या करनी पड़ती है, दुश्मनी करनी पड़ती है ताकि वो लोग गंदा खून निकाल दें हमारा। तो बैड ब्लड यानी दुश्मनी, गंदा खून नहीं। There has been bad blood between India and Pakistan since blockhead, जिसका हेड ही क्या हो तो फिर वो मुर्गी है। A blockhead has blocked the road, यानी एक मूर्ख आदमी ने रोड क्या कर रखी है, भी जब आगे जाने और इधर जाने की जगह नहीं थी, उसने गाड़ी ऐसे मोड़ दी, अब चलो हो गया काम। बियर द ब्रंट ऑफ, यानी अटैक का मुख्य पार्ट सेना। तो हमने देखा होगा जब भी लड़ाई होती है तो कुछ सैनिक बिल्कुल सीधे लगे होते हैं, अब जब लड़ाई होगी सबसे पहले तो उन्हीं के साथ होगी लड़ाई, पंगा उन्हीं के साथ ही होएगा। तो ये बात किसी ने समझा दी भी, तू सब सामने खड़े तेरा तो काम पक्का ही है, तो अगले कहते क्यों हम क्यों खड़े हो आगे, अच्छा तो मैं सेकंड लाइन में खड़ा हूँ, वो कहते मैं तो थर्ड में खड़ा हूँ। तो अब ऐसी कहानी जब हो जाए तो सेनापति ने कहा जो फ्रंट में खड़ा होगा सबसे ज़्यादा बियर उसको मिलेगी, फिर अब लड़ाई कर रहे हैं, मैं आगे आऊँगा, मैं आगे आऊँगा। तो बियर किसको मिलेगी, ब्रंट को, क्या कह रहे हैं एक बार, जो सबसे फ्रंट में खड़ा होगा। तो ऐसे ही हुआ, द ड्राइवर बोर, अब देखो ये बियर वर्ब थी, वी टू आ गया, ड्राइवर ने सहा जो झटका था, द ब्रंट ऑफ द क्रैश बिकॉज ही वॉज राइट एट द फ्रंट ऑफ द बस। ब्रेड एंड बटर मालूम है सबको, रोजी रोटी। तो आप सच में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हो, ब्रेड पे बटर लगा लगा के बेचते हो। यहां देखो, बाय मेकिंग टोस्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर, यहां पे ये मटेरियल नाम उनका काम कर रहा है, मतलब मटेरियल जैसा, और यहां ब्रेड एंड बटर क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया जिसका मतलब क्या है, रोजी। बॉटल नेक, बॉटल नेक का मतलब बाधा, अड़चन। तो आपकी नेक पे किसी आदमी ने मान लो किसी संगली से, चेन से एक कोको कोला वाली बोतल बांध दी ऐसे, अब क्या वो टूट भी नहीं रही, टूटने के लिए कुछ चलाना पड़ेगा उसके ऊपर, या कुछ करना पड़ेगा, या बोतल तोड़नी पड़ेगी, बोतल तोड़ी तो कांच ऊपर भी आ सकता है। अब आप बैठे हो घर पे, बोतल लटका के कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ समझ नहीं आ रहा तोड़े कैसे, तो क्या आ गई आपकी लाइफ में एक, ठीक है ना, बॉटल नेक। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉजिंग बॉटल नेक्स इन द सिटी सेंटर। देखो एक ब्लॉक हेड था, ये क्या है, बॉटल नेक। फार क्राई का मतलब होता है कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। मान लो सिंगर, एक सिंगर सोचे कि यार मैं ना हलवाई वाली दुकान करता हूँ, तो लोग कहेंगे कि ये क्या क्या बकवास कर रहा है तू, हलवाई वाली दुकान करता हूँ तो कोई तुक है, अभी रात को सिंगिंग तो रात को नहीं होती, सुबह हलवाई कर लूँगा तो प्रोग्राम सारा क्या है ये, मतलब तू करना ही है तो तू अपने ही, तू कोई म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान कर ले, हो सकता है ना ये काम, तो जचता है। तो कुछ ऐसा, प्लेइंग अ कॉमेडियन इन अ कॉमेडी इज अ फार क्राई फ्रॉम प्लेइंग अ क्रिमिनल इन अ, तो मान लो एक आदमी जो है वो हमेशा ऐसा खलनायक जैसा काम कर रहा है, और अब उसको वो बनना है, कोई कॉमेडियन बनना है, तो ये बहुत दूर का हिसाब किताब है, सारे शक्ति के पूरे नहीं हो सकते ना। राजा बाबू देखिए,
उसमें वो नंदू भी बनता है, और ऐसी ऐसी फिल्में जिसको उसको देख के डर लगता है। तो बहुत कहानी क्या है ये, फार क्राई, बहुत ही अलग बात। मान लो आप फोन पर किसी को बोल रहे हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो दूर खड़े एक आदमी उसकी बिल्ली, आप उसको लग रहा है आप कह रहे हो मैं बिल्ली खाऊंगा, तो आगे आ गया भाई मेरी बिल्ली क्यों खाएगा, तो आपने कहा मैंने कब बोला मैं बिल्ली खाऊंगा, कभी बोल तो रहे उसको क्या भैया मैंने बोला मैं कहा मैं क्या बोल रहा हूँ तू, तो बात बहुत क्या है दूर की, कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं, बिल्कुल इररिलेवेंट कहानी होगी। ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। अगर आपको कोई इसमें क्लास दे तो कुछ समझ आएगा, तो यानी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या थी, अपने घर में भी बोलते हैं ना, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ, अपने घर में डायलॉग चलते हैं वाला, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ, यानी तेरे को समझ नहीं आ रही। तो ऐसा ही हुआ, मान लो बच्चा कोई लेक्चर लगा के आया, तो वो कहता भैया अपने था समझ नहीं आई कहानी, तो पिता कहते क्यों फारसी में था, सच्ची कहता फारसी में ही था, मेरे को तो लगा वो किसमें है, फारसी में ही है, यानी या तो वो ग्रीक में था या लेटिन में था, हमारे समझ नहीं आया। एज द लेक्चर वॉज इन फ्रेंच लैंग्वेज इट वॉज ऑल ग्रीक एंड लेटिन टू मी, आप गलती से किसी और क्लास में घुस गए। बुल इन चाइना शॉप, यानी आपने किसी काम में कोई ऐसा आदमी घुसा दिया जिसको उस काम का बिल्कुल ही पता नहीं, और अब वो फिर क्या करेगा, नुकसान ही करेगा क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, गलत बंदा गलत जगह लगा दिया आपने। अ पर्सन हु इज इन एक्सपर्ट एक्सट्रीमली क्लम्सी, क्लम्सी का मतलब नौ सीखिया भी होता है, केयरलेस इन द वे ही मूव्स और बिहेव्स, यानी उसको पता ही नहीं, इधर हिलता तो कुछ तोड़ देता है, उधर हिलता तो कुछ उधर तोड़ देता है। तो आपने क्या किया, पब्लिसिटी के लिए, आजकल लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो एक आदमी ने एक गोदे को एक सांड के ऊपर फ्लेक्स लगा दिए और दुकान पे खड़ा कर दिया, अब तो लोग देखेंगे कि नहीं, पब्लिसिटी होगी कि नहीं, पब्लिसिटी होगी बताओ। तो इमेजिन करो पब्लिसिटी के लिए किसी ने कोई चाइनीज प्रोडक्ट्स की दुकान खोली और बुल को वहां पे बांध दिया है। अब क्या है, एक तो बुल से बचने के लोग ऐसे करके भाग के निकलते हैं, तो दुकान में शीशे की दुकान है उसमें रुकते रुकते भी ठुक जाते हैं, या वो बुल भी ऐसा बेचारा वैसे उसे घूमता है तो उसने कोई सामान तोड़ताड़ दिया है, तो लोग कह रहे हैं क्या आप किस बुल को किधर बांध दिया है, जो नई चाइना वाली शॉप खोली उसमें बुल को बांध दिया, यानी ये बंदा ये चीज़ यहाँ पे फिट नहीं थी, एक मिस फिट होगी वो कहानी। आई नेवर नो वट टू से एट अ फ्यूनरल, मुझे पता ही नहीं था फ्यूनरल पे क्या कहते हैं, कई बार लोग क्या होता है वो चले तो जाते हैं किसी मर्ग पे, बस उनको पता भी ऐसे ही रखना बस कुछ बोलना ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता, हम क्या करें, बस थोड़ी देर ऐसे बैठ गए वापस आए थे, उनको पता ही नहीं क्या बोलना है। आई फील लाइक अ बुल इन चाइना, मान लो किसी, कई बार ऐसा होता है ना, पापा कहते मेरे को टाइम नहीं तू जाया, तो अब उसको ऐसा लगता है मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं क्या करें, तो वो उस टाइम कैसा फील होता है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। वी टोल्ड हर इट वॉज अ डेलीकेट सिचुएशन, हमने बताया था कि ये सिचुएशन बहुत क्या है, डेलीकेट सिचुएशन है, बट शी वेंट इन टू द मीटिंग लाइक अ बुल इन अ, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है और वो ऐसे ही घुस गई, मैं देखती हूँ, तो ये तो क्या हो गया, बुल इन ए चाइना शॉप, यानी गलत सिस्टम अपना दिया, सारा कुछ मिसफिट होगी वो लड़की वहां पे। कैट गॉट योर टंग, हिंदी में इसको बोलते हैं सांप सूंघ जाना, जब घरवाले कुछ पूछो और आप कुछ ना बोले तो घरवाले क्या बोलते हैं, सांप सूंघ गया तो सांप सूंघ जाना या कैट गॉट योर टंग एक ही चीज है, क्योंकि अब आपको कुछ बात बोलने से भी मतलब कुछ बात ही नहीं समझ आ रही, तो बिल्ली ने आपकी जीभ काट ली है रात को और अब कह के गई खबरदार, जो किसको बताया बताऊंगा कैसे, अब बताऊंगा कैसे, फिर भी वो कह रही है लिख के भी नहीं बताना, किसी को कुछ भी नहीं बताना, तो अब यही हो रहा है, अब सारे पूछ रहे हैं और आप कुछ नहीं, तो why are you late, why are you not saying anything, कुछ तू बोल क्यों नहीं रहा कुछ, has the cat got your tongue, बिल्ली तेरी जबान ले गई है, to give somebody a piece of your mind, peace का मतलब वैसे शांति होता है, अगर आप
जितनी शांति आपके पास है, अगर आप वो शांति थोड़ी सी किसी को दे दोगे तो उसकी जगह अशांति आ जाएगी, होगा तो ऐसे ही वैसे। पर सिस्टम मैंने हमने क्या किया, इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरह से डांटना, यानी आप अच्छा भला शांत थे और वो शांति आपने अपने किसी को दे दी, यानी शांति देने का मतलब क्या है, गुस्सा करना। फिर अब इस स्टोरी में क्या है, मान लो हम 2050 में हैं, और 2050 में मैंने कहा था बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, तो आपने अपना जो माइंड है, माइंड के भी मान लो 5-7 पार्ट हैं, तो आपने सारे हाई क्वालिटी के लगवा रखे हैं, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने में कोई बंदा आ गया आपसे रात को, भाई साहब वो एक एक चाहिए था मेरा पार्ट, मेरा काम नहीं कर रहा, कुछ भेजना है किसी को कुछ, एक बार रात रात के लिए दे दो एक बार, चलो आपने कोई बात नहीं ले सुबह दे जाना। तो आपने दे दिया और वो फिर आ गया अगले दिन या 2-3 दिन बाद, फिर एक बार और भाई साहब एक बार, तो आपने कहा यार तो क्या बात है, तो लास्ट बार अपने माइंड का तेरे को क्या दे रहा हूँ, पीस, एक छोटा सा पीस दे रहा हूँ, दोबारा नहीं दूंगा। और आपने उसको डांटा टिका आ गई, तो आपने क्या कहा है, किसी को देना क्या, अपने माइंड का एक पीस। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किधर गया, द टीचर विल डेफिनेटली गिव हिम अ पीस। देखो उस पीस का मतलब जो शांति होता है उसमें आई नहीं होता, इसमें आई लगा हुआ है ना, तो ये पीस ही है, छोटा सा पीस। द टीचर विल डेफिनेटली गिव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड बिकॉज ही इज ऑलवेज, टीचर डेफिनेटली उसको डांटेगा। तो इसके अंदर क्या लिख दिया इसको, गिव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड, कितनी बड़ी लाइन है, सिर्फ किसके लिए, स्कोल्ड भी लिखा जा सकता था, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, यानी बिल्कुल स्पष्टवादी होना किसी तरीके के, अपने कहते हैं ना डरना नहीं, सीधा ही। तो इमेजिन करो आप एक बोन्स बनाने वाली कंपनी में हो और आपको नहीं बताता कि वो जिस पाउडर से आप बोन बनाते हो उस पाउडर में क्या क्या डलते हैं, अंडे और हड्डियां, और आप धन सदगुरु या आप मान लो कोई नाम नूम ले रखा है आपने, प्रेमी आदमी हो आप, तो अब आपको जैसे ही पता लगा बीच में क्या है, आपने सीधा कह दिया मैं नहीं बनाऊंगा अभी हड्डियाँ कल से, तो आपने अब देख लिया फिर बेटा तेरे को नौकरी से निकालना पड़ेगा, अभी तेरे को और किस डिपार्टमेंट में तो शिफ्ट नहीं कर सकते, क्या निकालना तो निकाल दो, पाउडर दूसरा ले आओ, बिना हड्डी वाला भी आता है, बिना अंडे वाला भी आता है। तो आपने सीधा कह दिया, तो आपको कोई डर डर नहीं है। ही मेक्स नो बोन्स अबाउट द फैक्ट दैट ही इज दैट हिज अपार्टमेंट इज अ, मतलब वो बिल्कुल खुला खुला कह देता है कि उसका जो अपार्टमेंट है वो क्या है, बिल्कुल बेकार है, वहाँ सब गड़बड़ है, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको कोई झिझक नहीं है। ईगर बीवर यानी बहुत ही मेहनती व्यक्ति। तो इसके अंदर ईगर का मतलब उत्सुक या उतावला होता है क्या, ईगर। तो बी वर को अपने बना रहे हैं बी टोकन वाला वर, ठीक है। तो इमेजिन है भी सामूहिक विवाह वाला हिसाब किताब चल रहा है और जितने भी दुल्हने हैं किन कार्यक्रम में, सभी दुल्हने बी टोकन वाले लड़के से क्या करना चाहती हैं, शादी। वर का मतलब दूल्हा होता है। तो अब फिर उन्होंने शर्त रख दी है भी अगर सबको ही बी वाले वर से शादी करनी है तो कंपटीशन करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाएगा उसी को ही बी वर मिलेगा। तो अगर इतने ही ईगर हो, इतने ही उत्सुक हो तो फिर मेहनत करके दिखाओ, तो मेहनती हो गया ना। बलजीत सिंह इज अ रियल ईगर बीवर, ऑलवेज वॉलंटियरिंग टू स्टे। इसका मतलब क्या है, यानी मान लो अगर देर तक रुकना पड़े और कोई पूछे भी, हाँ भी कौन रुक सकता है क्योंकि ज़्यादा काम करना है, तो हमेशा कौन अपने आप हाथ उठाता है, बलजीत सिंह, सर मैं रुक जाऊँगा लेट, कोई बात नहीं। होल्ड हॉर्स, होल्ड हॉर्स का मतलब होता है धीरज रखना, और इसी जैसे एक वर्ड क्या है, टू लूज टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है, आपा, अपना कहते हैं ना, अपना आपा मत खो, खो का मतलब लूज करो, तो ये वैसे ही शब्द है। अब इसको अपने ऐसे याद कर रहे हैं कि टेम्पर नाम का एक क्या है, घोड़ा, जो बहुत ही क्या है, खूंखार है, खतरनाक है। अगर वो घोड़ा आप किसी पे छोड़ते हो तो वो पक्की बात है आपने छोड़ा नहीं और घोड़े ने उसको मारा नहीं सामने वाले को। अब आप घोड़े को ऐसे पकड़ के बैठे हो और कोई आदमी को आपको किसी आदमी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो मान लो आपके जो जानने वाले कह रहे घोड़ा मत छोड़ना, टेम्पर घोड़े का नाम है, टेम्पर को छोड़ मत देना, यानी धीरज रख बेटा, धीरज रख टेम्पर को। और कुछ लोग कह रहे बेटा पकड़ के रख घोड़े को, अभी होल्ड करके रख, यानी एक आ गया होल्ड हॉर्स, होल्ड
होल्ड हॉर्स का मतलब अभी उस घोड़े को बेटा पकड़ के रख, शांति रख, धीरज रख, क्लियर है? तो टेम्पर से तो याद रह सकता है इजीली कि टेम्पर का मतलब आपा होता है और टू लूज एम्पर का मतलब आपा खोना, ठीक है जी? तो दोनों की स्टोरी हमने मिला दी ताकि आपको होल्ड हॉर्स का भी याद रह सके। भी हॉर्स को होल्ड करके रखना यानी अभी खोल मत देना, यानी क्योंकि खोलोगे तो खोल गया मतलब आपने आपा खो दिया। मिस्टर वर्मा डोंट लूज टेम्पर एंड री थिंक, दोबारा सोचो अबाउट द मैटर, डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर। सेम कहानी, मिस्टर वर्मा होल्ड योर हॉर्स यानी भी धीरज रखिए। यहां क्या था, डोंट लूज। ग्रीन आईड मॉन्स्टर, ईर्ष्या। आपका कोई पड़ोसी है जिसकी आंखें क्या है, ग्रीन, और वो एक बहुत ही जबरदस्त मोटरसाइकिल लेके आए, उसका नाम क्या है, मॉन्स्टर, टॉप मॉडल। तो उसने आपको कुछ कहा तो नहीं है, पर फिर भी आपको देख देख के क्या हो रही है, ईर्ष्या, ठीक है जी? तो वो ग्रीन आंखों वाला क्या लेके आया है और आपको क्या हो रहा है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर कैन टर्न इवन द मोस्ट बिलव्ड मैन ऑफ टू मर्डर, यानी जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या वो बना सकती है किसी इंसान को एक प्यारे इंसान से क्या, मर्डर, यानी बड़े प्यारे इंसान थे और अब क्या बन गए, खूनी। लेट द कैट आउट ऑफ द, सारे राज खोलना मतलब राज खोल देना किसी का। तो इमेजिन करो कि सब लोगों को ऐसा लगा कि बिल्ली या तो मर गई या बिल्ली कोई ले गया। ढूंढ ढूंढ के सब परेशान हो गए, पर आपने किसी को बात करते हुए सुन लिया भी बिल्ली अभी पड़ी है, बैग में ही है। इसका मतलब या तो मरी हुई है या जिंदा, लेकिन है भी किसी के बैग में, और आपको वो बैग मिल गया जिसमें बिल्ली बेहोश करके रखी हुई थी। अब आप वो बैग सबके सामने ले आए और बैग लाते उनके होश उड़ गए, और अपने बिल्ली बैग से निकाल दी, तो राज सामने आ गया। वी हैड प्लैंड अ सरप्राइज पार्टी फॉर गौरव सर, अच्छा, बट सम गाय लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पर किसी ने तो सरप्राइज पार्टी रखी थी, पर किसी ने राज खोल दिया। ओपन बुक का मतलब आई एम एन ओपन बुक लोग कहते हैं, यानी मेरे मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, मेरी हैबिट्स, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, हॉबीज, मैं कैसा हूँ अल्टीमेटली सबको अगर पता है, अगर किसी इंसान के बारे में सॉरी बोलते सबको पता है तो वो बंदा क्या है, ओपन बुक। आप अपनी लाइफ की हर बात डायरी में लिखते हो, एक दिन वो बाहर रहेगी और सबने पढ़ ले, बाप क्या हो गए हो, तो फिर आप अब सबको आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। टू ब्रिंग टू बुक, अब ब्रिंग का मतलब होता है लाना और टू बुक का मतलब तो हो गया ना बुक, जहां बुक रखी है वहां लेके आना, तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को सजा देना। तो इमेजिन करो आप एक पुलिस वाले हो और आप एक किसी मुजरिम को रास्ते में लेके आ रहे हो, और आपको फोन आता है भी काम करो, इसको वो जो बुक है ना अपनी जिसे सजा देते हैं उसके हिसाब से इसको 555 नंबर वाली सजा दे दो बस। अब आप नए नए थे भी आपको याद नहीं 555 कौन सी सजा देते हैं, और आपको फोन कट गया मतलब फोन बंद ही हो गया। अब बुक पढ़ी है किधर, घर पे, तो पहले तो उसको घर लेके आए हो, उसको पढ़ के रखा और साथ में क्या खोल रहे हो, बुक खोल रहे हो, मिनट ले इतनी दूर से उसको घर लेके आए, और सजा क्या है, मुर्गा बना दो। तो अगर आपको सजा पता होती तो वहीं पर ही मुर्गा बना देते। तो लेकिन अब आप उसको बुक तक लेके गए हो, किस वजह से, सजा देने के लिए। बाय द बुक यानी बिल्कुल जैसा बुक में लिखा है, और एज इट इज यही चीज भी वही है। टू द यानी लेटर का मतलब शब्द मान सकते हैं, अक्षर मान सकते हैं, भी एक एक अक्षर जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, यानी जो रूल जो टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी है बिल्कुल उनको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो एग्जाम्पल सीधा इसके अपने वो देते हैं, इफ यू ऑबे इंस्ट्रक्शंस और रूल्स टू द लेटर या बाय द बुक यू विल बी सिलेक्टेड। बी इन द गुड बुक्स यानी किसी, यानी आपने अपना नाम किसी इंसान के
के माइंड में अच्छे वाले पर्सन के हिसाब से फिट किया है। अगर अगर कोई इंसान आपको अच्छा इंसान मानता है तो उसका मतलब आप उसकी गुड बुक्स में हैं, और अगर कोई इंसान आपको बुरा मानता है तो आप उसकी कौन सी बुक में हो? बैड बुक के अंदर। मेकिंग फन ऑफ द टीचर इज बाउंड टू गेट यू इन हिज। अगर आप किसी टीचर का मजाक उड़ा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसकी कौन सी बुक में जाओगे? बैड बुक में। मेकिंग फन ऑफ द टीचर्स, मेकिंग फन ऑफ द टीचर इन द क्लास विल नॉट गेट यू। अगर ऐसा करोगे तो आप नहीं जा पाओगे उसकी। चलिए बहुत आज के लिए।